Okay, one by one, tell me about. Okay, to the back side. Marketing. क्या समझते हो मार्केटिंग? So is he buying, selling? Buying and selling. आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है ऐसा कुछ buying and selling marketing से कोई affect हुए हो? Yes sir. क्या देखा है डिस्काउंट को देखा और रश हुआ कितना यार डिस्काउंट रेट चलो खरीद के इसी तरह कभी आप लोगों ने पिज्जा खाया है डबल पिज्जा किसने खाया कभी आपने एक प्राइस पे दो पिज्जा खाया कहाँ पे खाया पिज्जा हट में अगर आपको याद हो हेड एंड शोल्डर वाले क्या कर रहे थे जब हम छोटे थे वो गलियों में उनके पास कुछ मशीन होते थे वो आपके सर के जो डेंड्रफ है उसको चेक कर लेते आपको तजवीज करते कि आप ये शैम्पू यूज कर रहे कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ नो सर आपको याद नहीं गया सर वो कमांड सरकार जो आते थे हां अभी क्या है बच्चों के लिए क्या होता है जो कमांडर सिगार्स के जो बच्चे मतलब एक कैंपेन होता है स्कूल्स में होते हैं डिटोल्स के होते हैं जो सही है ना साफ सुथरा जो अभी आप देखते मतलब बहुत से ऐसे ये दीज आर द टूल्स ऑफ ए साइलेंट दीज आर द टूल्स ये टूल्स होते क्यों है ये मार्केटिंग के टूल्स है ये मार्केटिंग की एक्टिविटीज है ये एक्टिविटीज सारे सब चीजों का सब लोग मतलब जितने भी है इसका एक ही मकसद है टू अर्न प्रॉफिट ये सबका एक ही मकसद होता है जितने भी एक्टिविटीज होता है सही है बिजनेसेस बनते हैं बिजनेसेस को आगे ले जाना उसको प्रमोट करना क्योंकि बिजनेस एक तो बनता है लेकिन जब उनके प्रोडक्ट को ना बेचा सके मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बेच ना सके तो व्हाट डज इट मीन बाय दिस बिजनेस वो बिजनेस नहीं रहेगा वो खत्म हो जाएगा बिजनेस एक क्या करता है जब बिजनेस एस्टेब्लिश होता है डेफिनेटली कुछ उसको रिक्वायरमेंट होता है क्या है कि उसके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचता बल्कि सिर्फ उसकी आवाज तो पहुंच जाए ताकि उसको खबर तो हो कि मार्केट में ये चीज आया है ताकि उसको खरीद सके अभी ये मार्केटिंग जो होता है क्योंकि ये आज हम सिर्फ एक पोर्शन पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत एक वसी पैमाने पे है क्योंकि हम उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते ये थोड़ा बहुत इतना पढ़ते हैं जितना हमारे हमारा जो रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग जहाँ से मैन्युफैक्चरर से लेकर और कस्टमर तक जितना भी प्रोसेस इसमें होता है सप्लायर से मैन्युफैक्चरर से सप्लायर जाते हैं मैन्युफैक्चरर से फिर वो सेलर हो रिटेलर का कस्टमर तक पहुंचता है इतने इसमें जो जितने भी इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जितने एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व होते हैं ऑल आर मार्केटिंग ओनली वन थिंग फॉर Their purpose is only one thing here, earning profit. उसका मकसद एक ही होता है ताकि वो earn कर ले profit. जितना इनका marketing activities, marketing tools अच्छा होगा उतना ही वो market को capture भी करेंगे, customer को capture भी करेंगे उसमें profitability उन लोगों का ज्यादा होगा. जितना उनका marketing जो activities है वो loose होगा उतना ही उसका product बेचेगा नहीं. जितना उनका marketing जो टीम है इफेक्टिव होगा और एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे उतना ही वो उसका प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिकेगा सही बिकेगा या नहीं बिकेगा बिकेगा जाहिर बात है हाँ हाँ हम प्रोडक्ट कस्टमर तक ले जाते हैं लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा गुड प्रोडक्ट देखो डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपने पढ़ा पढ़ा या नहीं पढ़ा देखो डिमांड होता है तब सप्लाई आप जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो आप उसको कोई प्रोडक्ट अपने आप तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते कर सकते हो यू कैन नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ देयर मस्ट बी डिमांड इन द मार्केट या डिमांड होगा या आपने डिमांड क्रिएट करना है अभी आपने डिमांड किस तरह क्रिएट करना है जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी वाले डिमांड क्रिएट करते हैं ना क्रिएट करते हैं बाय एडवर्टाइजिंग प्रमोशन अगर नहीं है अगर लोगों को जरूरत नहीं है उसको जरूरत मतलब उसको पहला करना उसकी अगर नया फैशन
फैशन को प्रमोट करना है यू हैव टू एडवर्टाइज. क्या करते हैं? थ्रू एंडोर्समेंट करते हैं. थ्रू किस की थ्रू पर? सेलिब्रिटीज के थ्रू, क्रिकेटर्स के थ्रू पर. जो आप लोगों को पसंदीदा लोग हैं उनकी थ्रू पर ये क्या कर लेते हैं? एडवर्टाइजिंग करते हैं. और आपके डिमांड के साथ आपका डिमांड इंक्रीज होता है, आता है ना यार, दैट्स द पॉइंट, ये मुझे भी चाहिए. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन लोगों ने मार्केटिंग एक टूल यूज किया जो हम कहते हैं क्या, तो एंडोर्समेंट, और हम कहते हैं थ्रू सेलिब्रिटीज, ताकि आप में वो डिजायर जगा ले, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट है. क्या है? कनेक्ट है. आप उस अपने सेलिब्रिटीज का कनेक्ट नहीं है. आप अगर आप क्रिकेट प्लेयर है, आपको क्रिकेट प्लेयर, अगर देखो अगर आप कहने के यार मुझे जूते खरीदना है, मतलब स्पोर्ट्स शूज खरीदना है, लेकिन आप कहेंगे यार दरी क्लब के माइंड में क्या आएगा? चीता वाला आएगा. व्हाई? दैट स्पोर्ट्स शूज इज क्रिएट इज हैव अ लिंक विद द शाहिद अफरीदी, उसका ब्रांड एंबेसडर है. यस सर. तो द ब्रांड एंबेसडर आपको, क्योंकि आपको पसंदीदा है, दैट्स यू गो फॉर दैट ब्रांड. आप बहुत से क्रिकेटर्स देखेंगे उसकी बैट में जो लिखा हुआ है जीएमडी का, क्या लिखा हुआ है, आप जब भी बैट खरीदना चाहते हो आप उसके पीछे चलते हैं, ये वाला क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर में यूज हो रहा है. अगर आप फुटबॉल चले, आप कहेंगे यार फाइबर में जो फुटबॉल यूज हो रहा है वो सियालकोट में बहुत ज्यादा है, लेट्स गो फॉर दैट, क्योंकि वो यूज हो रहा है इंटरनेशनल, क्योंकि वो मजबूत भी है. देखो दैट इज द थिंग, दैट ये कुछ एंडोर्समेंट्स होते हैं, इसी तरीके से आपके वो डिमांड को जगाया जाता है, आप चले जाते हैं वो डिमांड के लिए, दैट इज डिमांड क्रिएशन. ये होता है डिमांड क्रिएशन, आपके डिमांड की ख्वाहिश को जगाता है कि ये दस, हाँ ये चीज है. अगर आप नहीं भी है, आप उसको पता नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप देखते हो तो आपकी अंदर वो ख्वाहिश जाग जाता है. दैट इज द पावर. Marketing, in here we will learn about what is marketing, classification of marketing, function of marketing, and marketing mix. Go for these four things in this chapter. I mean, in chapter we get these things. The 20th century, marketing development, इससे पहले 19th सेंचुरी में क्या था, थोड़ा प्रोडक्ट था, लोग जो लोग प्रोड्यूस करते उतना वो ही खरीदते, लेकिन जो ही ये लोग बढ़ गए, जो ही इंक्रीज में आया, लोगों में क्या आया, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, उनके डिमांड चेंज हुए, तो डिमांड के मुताबिक कंपनी लोग कंपनीज ज्यादा हो गए, डिफरेंट कंपनी आए, डिफरेंट लोग आए, सिमिलर कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो डिफरेंट हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आए, सिर्फ नाम डिफरेंट था लेकिन प्रोडक्शन उसका सेम था. तो ये क्यों हुआ? जब ऐसे चीजें होते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन आता है, सही है, इंक्रीज इन इनकम होता है, सही है, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इंक्रीज इन फैशन होता है. जब ये चीजें ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या करता है, जाहिर बात है अगर एक कंपनी तो इतने पोर्शन को कवर कर देगा, अगर ये पोर्शन बड़ा हो जाए तो ये कंपनी क्या इसको इस बड़े पोर्शन को कवर कर सकते हैं? नहीं. तो ये तो इतने ही पोर्शन को कवर करेगा ना, जारी बात है कोई और कंपनी अगर इतने और पोर्शन को कवर करेगा, फिर कोई और अगर इसके और पोर्शन को कवर करेगा. सही. मिसाल के तौर पर अगर ये कंपनी एज के लिहाज से बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर ये बच्चे तो बड़े हो रहे ना, ये तो सिर्फ तो इन्फेंट तो नहीं रहेगा, बेबी तो नहीं रहेगा, तो फिर स्लोली स्लोली ये टीनेजर में चले जाते हैं. सही. अभी टीनेजर की टेस्ट चेंज होता है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ मार्केट, देयर शुड बी अ कंपनी हु टारगेट टीनेजर, जो टीनेजर को टारगेट करे. जब टीनेजर बढ़ जाते हैं वो मैच्योरिटी में जाते हैं, जो मैच्योरिटी में चले जाते हैं वो टीनेजर की जो एक्टिविटीज है, जो उनकी पसंद नापसंद है वो खत्म होता है, क्योंकि अभी मैच्योर हो जाते हैं. देयर मस्ट बी अ कंपनी हु टारगेट मैच्योर पर्सन पीपल. अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, एक कंपनी तो ऐसा नहीं कर सकता कि सारे लोगों को टारगेट कर ले, चलो कर भी ले फिर भी उससे मिसिंग होगा, फिर भी वो नहीं कर सकेगा. देयर मस्ट बी मल्टी कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज हू ऑपरेट डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर अ डिफरेंट पीपल, फॉर अ डिफरेंट डिमांड, फॉर अ डिफरेंट एज, फॉर अ डिफरेंट जेंडर. एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितनी जेंडर्स को करेगा, एक लेवल की उतनी जितनी भी जो
जो उसकी डिजायर है उतना ही करेगा, मतलब एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स के लिहाज से सही है, सिर्फ क्रिकेट की जो चीजें हैं वही बनाएगा, जैसे वही बनाता है, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स फुटबॉल का तो नहीं बना सकता, वो हॉकी को कोई और चीजों को तो नहीं बना सकते, दे ओनली हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑन क्रिकेट, जिसमें जितने भी इक्विपमेंट्स जरूरत है वही बनाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि इसमें एक चीज है वो क्वालिटी, अगर वो ज्यादा करेगा और चीजों पर फोकस करेगा तो फिर इसमें क्या होगा, वो क्वालिटी खत्म होगा और क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि फोकस अगर आप एक चीज पर होगा तो क्या होगा, आपका सारा चीजें चीज पर होगा, क्वालिटी पर होगा, हमेशा लोग क्वालिटी को देखकर खरीदते हैं, क्वांटिटी को नहीं, नहीं। आजकल जो दौर है वो क्वालिटी को खरीद क्वालिटी को देखकर खरीदते हैं, क्वांटिटी को नहीं खरीदते, सही। तो ये कब होता है, मार्केटिंग का कंसेप्ट कब होता है, जब लोग ज्यादा हो जाते हैं, जब लोगों का इनकम में जो इनकम इनकम इंक्रीज होता है, जब फैशन चेंज होता है, तो तब जाके मार्केट जो है वो डाइवर्स हो जाता है, लोग डिफरेंट उसकी डिमांड्स हो जाते हैं, तो फिर लोग करते हैं जिन लोगों का डिमांड है उनके पीछे चले जाते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट क्रिएशन करते हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्रिएशन करते हैं, ताकि उनकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, ये डिमांड को सेटिस्फाई क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, दैट्स ओनली वन थिंग दैट यू अर्न प्रॉफिट। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, पहला क्या है, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग क्या है, प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक जितना भी फ्लो है, इसको इनमें जितने भी एक्टिविटीज है, दिस ऑल द प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक। Marketing is all effort. Next definition क्या है? Marketing is all efforts to create customers for the product and provide maximum satisfaction. तो सारे effort, जब demand जब आपको demand नजर आ रहा है यार market में तो ये demand है, लोगों को ये जरूरत है, लोगों को ये जरूरत है, सही है? जब जरूरत है तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो उनकी डिमांड क्रिएशन करते हो, प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। सही, अगर मैं कहता हूँ कि यार एक शॉप हूँ, देखो ये डिमांड क्रिएशन कैसा होता है, देखो बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, ये जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, इनके मार्केट में एजेंट्स भी होते हैं, होते या नहीं है? देखो याद रखे कि एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा जरूरत होता है उनकी एजेंट्स का, जो मार्केट में पहला हुआ है, वो डिफरेंट की तरफ से होता है, ये उसके अपने एक अपने डिपार्टमेंट का आरएनडी डिपार्टमेंट भी होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उसको भी एक नजर आता है, लेकिन बस ज्यादा कम बहुत जो सारा इफेक्ट होता है बिजनेस पे वो है दुकानदार, क्योंकि वो उसको रियलिटी बताता है, उसको बताता है कि यार किस प्रोडक्ट का डिमांड है, किस प्रोडक्ट का नहीं है, कौन से प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, कौन से प्रोडक्ट लोग खरीदते नहीं है। अगर आपको याद हो डिफरेंट, अगर आप ये पेप्सी वाले पेप्सी आया तो पेप्सी का सिर्फ कोका कोला था, कोला जो सिर्फ बेवरेज का था, जो ही मार्केट का इनका मतलब लोगों को डिमांड हुआ कि यार पेप्सी का ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, स्लोली स्लोली क्या हुआ आता रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप आईफोन को देख लें, जो पहले क्या था, मिसाल का फोर फोर, जब आपको फोर में यूज किया तो आपका डिमांड किस किस चीज का बढ़ गया, 4S का या 5S का, जिस जो ही आप यूज करते रहे आपका डिमांड इंक्रीज हुआ, अब वो वेट कर रहा है क्या लोग मांग रहे या नहीं मांग रहे। जब 7 आया लोग कहते यार 8 के लिए, क्या लोगों के डिजायर है 8 के लिए, नहीं, वो मार्केट को ऑपरेट देखता है यार लोगों के डिजायर है या नहीं, जब उसे पता चल जाता है यार डेफिनेटली देयर इज अ डिजायर फॉर 8, अगर उनको डिजायर नहीं है तो दे विल नॉट, बिकॉज़ अगर उसने क्रिएट कर दी, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जब कर दी तो हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए। तो ऑल एफर्ट, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कंज्यूमर्स डिमांड, डिटरमाइन करना है ना, आइडेंटिफाई करना है किस चीज को, कंज्यूमर की किस चीज को, डिमांड को,
for product and services, for a product and services, and motivating its sales and distribute ultimate consumer profit. इस last definition में तीन बातें हैं. कितने बातें हैं? तीन बातें. Number one, consumer orientation. Marketing क्या है कि create the product according to desire of consumer. आपने product को design करना है according to desire of consumer. यार आपके product को कौन consume कर रहा है? लोग. जो लोगों की डिमांड के मुताबिक हमने प्रोड्यूस करना है ना, जब वो डिमांड उसके मुताबिक प्रोड्यूस करेंगे वो लोग खुशी से खरीदेंगे. एक दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज जो क्या है, आपका जितनी भी एक्टिविटीज है, जो सेल्स प्रमोशन जितनी भी है, मोटिवेटिंग. आप अपने कस्टमर को किस तरह मोटिवेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीद लो? आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, सही है. अभी कस्टमर को किस तरह पता चलेगा कि प्रोडक्ट आया हुआ है? एडवर्टाइजिंग. आप उसको फ्री टेस्ट दे रहा है. कभी आप सेंचुरीज गए हो, माल गए हो, माल से इंटर होते हो वहां पे, मतलब ऐसे बहुत सी जगह पे, अगर आप वॉलमार्ट चले जाओ, यहाँ पे कोई मार्ट है जिस पे बहुत ऐसे कंपेन लगे होते हैं जो आपको फ्री टेस्ट के लिए चले देते हैं, कॉफी देते हैं, सैंपल देते हैं. आप यहाँ पे जो कॉफी वाले, हाँ, इसने बिरयानी भी टेस्ट दिया था, जिससे टेस्ट कर लो बिरयानी, जो फ्लैट जिसने दिया था, फ्री दिया था, सही है, जो एडवर्टाइजिंग के लिए. सो दिस आर द थिंग्स दैट, देखो जब ये आप, अच्छा मैं फॉरेन में क्या, फॉरेन में एक जगह पे मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहां पे एक दुकान था पेस्ट्री का. ये चीज का पेस्ट्री का दुकान था. पेस्ट्री जब नया, वो अभी अपनी दुकान को लॉन्च कर रहा था, अभी तक वो नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो वो कुकिंग था ना, जो सारा वहां पे वो बनाता था, जो उसका ट्रे हम कहते हैं ना, मुझे बड़ा सा, वो बाहर आके सड़क पर लोगों को टेस्ट करवाने के लिए लोग खाते थे, वो चलते थे, जिनको मजा आता तो वो कल दोबारा आकर ज्यादा लेकर अपने घर ले जाते. सो ये फ्री फॉर टेस्ट, फ्री फॉर टेस्ट. अच्छा ये देखो, आपको याद हो, अगर आपको याद नहीं तो फिर याद दिलाकर दिला दो आपको, अगर नहीं फिर जाकर देख लो ये चीजें है. ये बास दुकानों में नहीं है, ये बास की जो हम कहते हैं जो स्वीट हाउस में है, स्वीट हाउस की दुकानों में जितने भी है, उनके काउंटर के साथ एक बड़ा सा प्याला मतलब है, उसमें सारे जो मिक्स, यस सर, मिक्स जितने भी मिक्स स्वीट्स वो है, स्वीट्स पड़े हुए, आप फ्रीली कहते हैं, आप इसे कोई भी खा लो, आप एक चख लेते हो, क्यों मजा आता है तो आप कहते हैं यार यहाँ पे ये भी मजेदार है. जब वो नया लेकर आते हैं वहां पे, नया चीज बनाते हैं तो वहां पे रख देते हैं, आप वहां से चख लेते हो, चले जाते हो, तो आपके माइंड में होता है कि मैंने कुछ खाया था फलाना जगह से, वो रिव्यू वो अगेन अगेन आता, तो फिर आप कहते यार चलो ये चीज को फलाने दुकान से लेते हैं, वो मजे का था, हमें एक दफा चखा हुआ था, सही है ना. तो ये चीजें क्या है, दीज आर द थिंग्स व्हिच क्रिएट इन योर माइंड डिमांड. ये वो चीजें हैं जो आपके माइंड में डिमांड क्रिएट किया जाता है, जो फ्री टेस्टिंग करते हैं, सही है, फ्री आपको फ्री दिया जाता है ये. अच्छा उस रास्ते में मैं जा रहा था, वो एक बेवरेज था, कोई बेवरेज था, कौन सा, आई डोंट नो, नहीं, तो वो उसका एक वैन था मोहल्ले में खड़ा था, लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लोग आते थे लेते थे चले जाते. अच्छा उनका कॉन्सेप्ट यही होगा, यही कॉन्सेप्ट है कि ये लोग लेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, इसको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट क्या है, क्या नहीं है, तो फिर कल अगर ये मार्केट में आया तो इनको नया नहीं होगा, इसको पता होगा कि हमने ये पहली बार यूज किया हुआ. ऐसे जब नया सर्फ आता है ना, सर्फ जो आपने तो घरों में जाके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट एक एक चलो देते हैं, यार यूज कर लो. अगर जब वो घर में जो औरतें यूज कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका पोजीशन तो फिर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर कहते हैं नहीं ये ही सही है, ये बहुत साफ करता है, बहुत इसमें वाटर भी ज्यादा है, ये साफ करता है, ये सी यही लेकर आता है, झाग 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 यही लेकर आता है, यही लेकर सस्ता भी है और ज्यादा क्वांटिटी में भी है. वो देखते नहीं कि कौन सी है, लेकिन वो कहते यार इसमें जग ज्यादा है और उसमें इसका क्वालिटी भी ज्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, फ्री टेस्टिंग अलग अलग, फिर आप उसके पीछे घूमते हैं कहां पर है यार, उसके पैकेट आपके हाथ में होते हैं. That is the thing. So, क्या होगा?
मार्केटिंग का मकसद क्या होगा, क्या मकसद है? प्रॉफिट ओरिएंटेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको फ्री दिए, इसका बैक स्टेज का मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग, जो जाना चाहता है चले जाए, अपना फ्रेंड्स लगाए चले जाए, एक बैठा हो तो मैं तभी मैं उसको टीच करूंगा। मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड सेलर, मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड बेसिस ऑफ ट्रांजिट, एंड मार्केटिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ट्रांजिट एंड कैपिटल मार्केट। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को क्लासिफाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू व्हाट? पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल। देखो, मार्केटिंग या लोकल होता है, या नेशनल होता है, या इंटरनेशनल होता है, या लोकल होता है, आप लोकल मार्केट है, ये सिर्फ रीजनल एरिया से मतलब, या नेशनल आप सारे पाकिस्तान में आप करते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट होता है। मार्केटिंग अगर आपका प्रोडक्ट जो है सिर्फ रिलेटेड टू यहाँ से है, जियोग्राफिकल है, यहाँ जो रीजनल के यहाँ से है, आप क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए, जो आपको उसको ज्यादा बनाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जो है सिर्फ इसी इहाते तक है, तो आप यहीं से करते हैं, इसी को मार्केट, इसी एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मार्केट नेशनल है, तो आप नेशनल लेवल तक चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को नेशनली एडवर्टाइज करते हैं, एक सुबह से दूसरे दूसरे तीसरे, तो आप चले जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो आप डिफरेंट कंट्रियों में जाकर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो नेशनल इंटरनेशनली है, रिकॉग्नाइज हुआ है, तो तब आप जाके, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया है, डिवाइड किया हुआ है कि यार लोग वो लोग होंगे जो, क्योंकि बिजनेस के लिहाज से, अगर आपका बिजनेस लोकल के लिहाज से छोटा बिजनेस है, तो आप उसी एरिया को टारगेट करेंगे जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप नेशनल लेवल से है, तो आपका डेफिनेटली आपका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इस्लामाबाद में होगा। आपका जो सारे ब्रांचेस है, आपका सारा जो चीजें है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आप हमेशा हेडक्वार्टर जो सिक्योर जगह पे होते हैं। तो आप इंटरनेशनल अगर होंगे, आपका सारी बात है, आपका बिजनेस, फिर आपका बिजनेस ऑफिस कहाँ पर होगा? दुबई में होगा, आप ऑपरेट करेंगे सारे सारे और मुल्कों को। तो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग अकॉर्डिंग ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एंड सेलर, मार्केटिंग ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एंड सेलर एंड मार्केटिंग ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम एंड ट्रांजेक्शन। पहला क्या है? लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। मार्केट ऑन द बेस ऑफ पोजीशन सेलर्स क्या है? प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, टर्मिनल मार्केट है। प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है? जो जहां से आता है, मतलब हम कहते हैं रॉ मटेरियल कहां से आता है? सप्लायर से। जो सप्लायर है ना, जो सप्लायर होलसेलर पे बेचता है वो प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या है? होलसेलर हो गया। और रिटेल टर्मिनल क्या हो गया? जो रिटेलर। होलसेलर का, सप्लायर का काम क्या काम होता है? होलसेलर को माल देना। होलसेलर का क्या काम होता है? रिटेलर को माल देना। रिटेलर का क्या काम होता है? कस्टमर को माल देना। दैट इज द कैसे मार्केट ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ सेलर। मार्केटिंग ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम दो किस्म की होते हैं, या होलसेल होता है या रिटेलर होता है, या आपका होलसेलर के काम होता है या रिटेलर के काम होता है। दो बिजनेस इज देयर मस्ट बी द टू टर्म्स हियर, होलसेलर और रिटेलर। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग ऑन द बेस ऑफ नेचुरल ट्रांजिट, या पैसे ऑन द स्पॉट लेंगे, आपने सेल, आपने रॉ मटेरियल दिया, पैसे ले लिया, सही। या कहेंगे फ्यूचर ट्रांजिट के लिए, फ्यूचर ट्रांजिट के लिए, फ्यूचर मार्केट के लिए, या पैसे ऑन द स्पॉट होगा, या फ्यूचर के लिए महीने आने वाले हफ्ते में दे दूंगा, ऐसे कैपिटल मार्केटिंग। देखो, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है शेयर मार्केट, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मनी मार्केट कौन सा है? जो आपके जो सोशल, जो लोकल इंस्टीट्यूशन जितने भी है, जो आपको बिजनेस में, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प देते हैं, जो आपको लोन देते हैं, जो आपको पैसे देते हैं, होता मनी मार्केट। सही। शेयर मार्केट जो हमने कहा पिछली भी क्लास हमने पढ़ाई किया, शेयर जो नहीं, जो हमने कौन सी वो पढ़ा, हमने इंडस्ट्री वाली, जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, जो हम शेयर्स खरीदते हैं, जो वी आर
buying is stock exchange. Yeah, stock exchange. Yeah. जो buying and selling of shares, that is also we have. Foreign exchange market जो हम foreign currency से अपने business को चलाते हैं, operate करते हैं. अगर हम foreign operate करते हैं, we help with the help of dollar. We transit with the help of foreign exchange currency. Clear it? Yes, sir. फंक्शनल मार्केटिंग, हमने मार्केटिंग की फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है तीन चीजों, तीन ग्रुप में. कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है? तीन ग्रुप में. पहला ग्रुप क्या है? मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है. साइलेंस. पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है. दूसरा क्या है? जनरल बिजनेस फंक्शन है. पहला मैन्युफैक्चरर, दूसरा होलसेलर, तीसरा जो हमारे पास है टोटल. हमारे पास 12 फंक्शंस हैं जो आपको इनमें से डिफरेंट डिफरेंट लोग करते हैं. पहला क्या है? मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस. मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन जो पहला जो मैन्युफैक्चरर वाले हैं, दैट्स बाइंग. क्योंकि उनके लिए बाइंग का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कोई चीज को राइट टाइम पे खरीदना, फॉर द राइट प्लेस, फॉर द राइट पीपल, यू हैव टू बाय दैट. आपने खरीदना है राइट थिंग for the right people at the right place, right? Next, assembly. Manufacturer वाले क्या करते हैं? जो manufacturer के हैं, ये assemble करते हैं, जो कि हमारे पास raw materials होंगे. हमने suppliers, हमारे पास different suppliers होंगे. हमने क्या करना होगा? उसको assemble करना होगा different suppliers से, जो हमें ज़रूरत है. It must be, there should be. Okay, एक being a manufacturer, you have to get the raw material from different suppliers. Standardizing and grading. देखो, जो आप raw material खरीदते हैं, that must be on the best of standard. इसमें standardized होना चाहिए, अच्छी quality का होना चाहिए. उसमें grade होना चाहिए, जिस तरह grade आपको देखते हो ना, quality based का grade है, सही है? So there must be grade. अगर आप जितना standard होगा आपका raw material, उतना ही वो जल्दी बिकेगा. जितना वो अच्छा grade का होगा, उतना ही आपका जल्दी बिकेगा. जितना आप क्योंकि being a manufacturer, you have to go for standardized and grading of the raw materials. Branding, आपने देखो customer तक तो ले जाना है, लेकिन आपने उसको एक brand की शिकल में ले जाना होगा. जिस तरह आप देखते हैं हमारे पास सोव है, डिटोल है, लक्स है, और दो तीन दो है. अभी सारे सोव है, लेकिन उसको branding किया हुआ है वर्ल्ड फॉरवर्ड फॉर द पोजिशनिंग, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की पोजिशनिंग के लिए. आइडेंटिफाई हो जाए, कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर सके, मैंने ये सोप खरीदा है, सही है? स्टोरिंग, फ्यूचर डिमांड है आपका, आप देखते हो ऑन द बेस ऑफ डिमांड, आने वाले का मतलब मार्केट में डिमांड है. आपने क्या किया? आपने मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर, मतलब उस सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके स्टोर किया, आने वाले जो मार्केट में या आने वाले सीजन में उसको. ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट. यस सर. क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, आपका माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा. देयर मस्ट बी ट्रांसपोर्टेशन, ताकि आपका माल एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर तक पहुंच सके, सही है? मार्केटिंग रिसर्च, आपके पास टीम्स होंगे, लोग होंगे, ताकि आप लोग मार्केट रिसर्च करें. जो क्यों रिसर्च करते हैं? क्योंकि कस्टमर नया डिमांड पर चल जाए कि यार आपका ये प्रोडक्ट बिकता है या नहीं, लोग खरीदते हैं या नहीं. यू मस्ट बी, यू मस्ट, यू हैव टू अप्लाई. जनरल बिजनेस क्या है? फंक्शन, दो फंक्शन इसका है, फाइनेंसिंग है और देखो आपको बिजनेस चलाने के लिए क्या होगा? फाइनेंसिंग करना होगा. फाइनेंसिंग कहां से है? या आपको बैंक से लेना होगा, या आपके किसी बंदे से कर्ज लेना होगा. यू हैव टू डू फाइनेंस, लेकिन फाइनेंस करना होगा. फाइनेंसिंग देयर मस्ट बी, क्योंकि आपका बिजनेस में फाइनेंसिंग होगा नहीं तो क्या होगा? वो बिजनेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. तो जितना भी आपके लोगों से कर्ज लेकर ऑपरेट करते रहेंगे, आपका बिजनेस उतना ही सरवाइव होगा, आप मार्केट में होंगे. अगर आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा तो यू विल बी, तो क्या होगा? रिस्क टेकिंग. हमेशा मार्केटर याद रखे कि मार्केटिंग जो है वो रिस्क को कैलकुलेट करता है. इसलिए का मतलब क्या है? वो देखता है कि कितना रिस्क है मेरा. अगर बिजनेस, अगर एज गुड मार्केटर वो है जो रिस्क को कैलकुलेट कर ले, वो समझे कि यार मार्केट मेरा कितना रिस्क होगा और कितना रिस्क नहीं होगा. अगर वो कैलकुलेट ना कर ले, वो ना समझे कि कितना पोर्शन मेरा रिस्क है, तो वो अगर वो मार्केट में आ जाता है तो क्या होगा? बेकार हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, सही है? सेलिंग फंक्शन क्या है? प्राइसिंग. पहला क्या है? आपने प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंडिकेटर थिंग, दैट इज द प्राइसिंग.
आपने प्राइस ऐसे सेट करना होगा जितना आपका कॉस्ट है, आपने मतलब जितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आपने प्रॉफिट के लिहाज से आपने प्राइस सेट करना होगा, ना कि बहुत हाई प्राइस, क्योंकि जब देखो हाई प्राइस को देखकर कस्टमर भाग जाता है। प्राइसिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इंडिकेटर जो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। जब कोई कोई बिजनेस नया आता है मार्केट में, वो अपने प्राइस को डोमिनेट कर दे, मतलब अपने प्राइस को बहुत, हम कहते हैं नीच मार्केटिंग से हम कहते हैं, जो प्राइस को बहुत लो कर देता है, ताकि क्यों, ताकि उसको कस्टमर मिल सके। जो ही लोग वो कंज्यूम करते रहते करते हैं, तो एकदम वो प्रोडक्ट गायब हो जाता है। लोगों को पसंद आता है ना, वो प्रोडक्ट गायब हो जाता है। आता है कौन सा नया वाला, दोबारा आता है वही प्रोडक्ट दोबारा आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हायर प्राइस, सही, फिर होता है फिर गायब हो जाता है। तब लोगों को डिमांड चेक करके लोग इसकी लोगों को जरूरत है या नहीं है। अगर लोगों को उसको जरूरत नहीं, वो स्विच करते कोई और प्रोडक्ट से, तो फिर वो लोग दोबारा आते हैं उसी स्लोली स्लोली वापस आते हैं उसी अंदाज से। अब अभी मैं आपको एक वो एग्जांपल देता हूँ सिरिलैक का। सिरिलैक वो सॉस आते हैं, वो पहले कितने रुपए पे था, 15 रुपए पे थे। मैं खरीद मैं अभी एक दो तकरीबन 5 दिन गायब हुआ, कहते शॉर्ट हुआ मार्केट में, शॉर्ट तो मुझे पता है कि मार्केट में शॉर्ट हुआ, मतलब आएगा नहीं, कहते पता नहीं शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट नहीं करते, ये लोग कहाँ पे स्टोर कर लेते, बेचते नहीं। जब अभी मैं चला गया, मैंने कहा ये तो आया हुआ है, कहते आए, कहते मैंने कितने, कहते 17 रुपए का, 2 रुपए महंगा हुआ। मैंने कहा यार ये वही मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रहे, महंगा हुआ 2 रुपए महंगा, क्योंकि डिमांड ना मैं बार बार आ रहा था उस दुकान में, बार बार मैं उसी दुकान में पूछ रहा था यार आया है या नहीं आया, आया है या नहीं आया। उस दुकानदार ने जाकर 4-5-10 पैक वो दर्जन खरीद कर लेकर लेकर आया था। उससे क्या यार डिमांड है, लोग पूछते हैं उससे, मैंने उसको कहा सर मैं पूछ नहीं, कहते नहीं इस इलाके में बहुत लोग पूछते हैं। फिर मैं वो क्या वो डब्बा खरीदता था जो 180 रुपये का था। तो ऐसा क्या है, दैट इज प्राइसिंग। तो प्राइसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। आप अगर कम प्राइस लगते हैं, उतना ही आपका कस्टमर आप पे ज्यादा आ जाएगा। सेलिंग, नेक्स्ट वी हैव, आपने प्राइस सेट करना है। दूसरा वी हैव सेलिंग। सेलिंग की टेक्निक्स होते हैं प्रमोशंस के तरीके से, हाँ, जो प्लानिंग होता है कि आपने प्लानिंग करना है, प्रमोशन करना है, किस तरह आपने सेल करना है मार्केट, आपने प्रोडक्ट को किस तरह कस्टमर की डोर तक ले जाना है, दैट इज अ सेलिंग। उसमें बहुत प्रमोशन फंक्शन, एडवर्टाइजिंग है, न्यू आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर जो पेपर मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपके प्रोडक्ट को हर जगह पे रिकॉग्निशन मिल जाए, सही है। मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अच्छा मार्केटिंग मिक्स क्या है, ये सारा मार्केटिंग जो चलता है ये 3-4 चीजों पे चलता है। कितनी चीजों पे, 4 चीजों पे, जिसमें हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट। देखो प्राइस आपने बाद में सेलेक्ट करना है, प्लेस आपने बाद में सेलेक्ट करना है, आपने पहले ये सेलेक्ट करना है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं। Yes, sir. किनको आपने प्रोडक्ट बेचना है, किन किन लोगों को आपने प्रोडक्ट देना है, ये प्रोडक्ट आपने किस के लिए लेकर आए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द डिमांड टू हुम यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड। क्या ये बच्चों के लिए, एल्डर मतलब जो मैच्योर जो कहते हैं टीनेजर के लिए है, या एजन लोगों के लिए है, या किसके लिए, आपने किन के लिए प्रोडक्ट लेकर आना है, वेदर द प्रोडक्ट इज हैजिंग डिमांड और नॉट, क्या इस प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं, आप अपने आप से लेकर आए हो। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिमांड, आपने डिमांड को आइडेंटिफाई करना है। एक दूसरा क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जब आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया लोगों को कि यार किन लोगों के लिए मैंने ये प्रोडक्ट लेकर आना है, दूसरा क्या है, आपने प्राइस स्ट्रेटेजी डिफाइन करना होगा कि मैंने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रखना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट नया है, बिल्कुल बिल्कुल नया है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू एंटर द मार्केट, और मार्केट में बहुत मार्केट कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, तो आपने क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है, यू हैव टू डिक्रीज योर प्राइस। आपने मार्केट आपने प्राइस को आप प्रोडक्ट वही लेवल वही क्वालिटी है, आप अपने प्राइस को डिक्रीज करते हो और लोग आपकी तरफ आ जाते हैं। क्या आपने ये एंट्रेंस इस्तेमाल करना है या कोई और तरीका इस्तेमाल करना है, सही।
पहला ये जो जब नया प्रोडक्ट होता है तो आप ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोई डिस्काउंट रेट भी चला दे देते हैं, कोई और टेक्निक भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी दैट यू आर प्राइसिंग। आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी करना होगा, प्लेस स्ट्रेटजी। आपने किस प्लेस किन लोगों को टारगेट किया हुआ है, किन लोगों के लिए आप नहीं ये प्रोडक्ट लेकर आओगे। ऐसा नहीं कि जब जिन लोगों को ये प्रोडक्ट आप लेकर आते उनकी नॉर्म्स और वैल्यूज के खिलाफ हो। आपने प्लेस डिफाइन करना होगा, क्या उस प्लेस में इन प्रोडक्ट का जरूरत भी है या नहीं। यू हैव टू डिफाइन दैट। सो प्रमोशन स्ट्रेटजी, आपने कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज करना है। क्या आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू पर टीवी की तरफ चले जाते हैं या आप न्यूज़पेपर की तरफ चले जाते हैं। आपने उस जगह को देखना है यार। अगर आप गांव को टारगेट करते हैं, रूरल एरिया को टारगेट करते हैं, तो वहां पे यूज टेलीविजन यूज का बहुत कम है। यस सर। तो यहां वहां पर रेडियो का ज्यादा है। यू गो फॉर तो आपने जहां का अपने अपने प्रोडक्ट के साथ वो रिलेशनशिप भी बनाना होगा कि मैंने जो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा, कौन से प्रमोशन स्ट्रेटजी, क्या एडवर्टाइजिंग है, जो पेपर मीडिया है या बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं इस तरीके से, या सोशल मीडिया के थ्रू पर, जो भी है जिस तरह आपने ये प्राइस ये प्रमोशन स्ट्रेटजी करना है, तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ दैट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ। प्राइस को बाद में है, प्राइस को पहले जब प्रमोशन आइडेंटिफाई करना है तो आपने प्लेस को देखना होगा। क्या वहां पे अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू पे करते हो और आपका टारगेट वही है, क्या आपका वो जा रहा है या नहीं, या आपका जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन लोगों को पता चल गया या नहीं चला। यू हैव टू टेक द मीडियम, आपने मीडियम लेना होगा। सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ऑफ द चैप्टर। आज के लिए इतना काफी है ना। Yes, चलो मार्केटिंग मिक्स।